माता पार्वती को इस बढ़ते संकट के बारे में सूचित करने में विलंब ना हो जाए। अरे अरे मूषक जी, प्रतीत होता है मेरा अति सुंदर गोलाकार उदर आपके शीश पर स्थित हो गया है। मैं थोड़ा उसका स्थान परिवर्तित कर देता हूँ। अरे अरे संभालिए मूषक जी, संतुलन बिगड़ रहा है मेरा। गणेश जी, आपका नहीं बल्कि आपके भारी उदर के बोझ के कारण मूषक जी का संतुलन बिगड़ रहा है। अच्छा अच्छा रुकिए मूषक जी, मैं अपने उदर को संतुलित करता हूँ। मूषक जी आप हंस रहे हैं क्या? नहीं तो प्रभु। किंतु मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैंने किसी के हंसने का स्वर सुना है। गणेश जी की ऐसी अवस्था देखकर इतनी हंसी आ रही है, किंतु मुझे स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा। अरे अरे ओहो मूषक जी, हमें इस दिशा में नहीं सीधे जाना है। अपनी इस दिशा में, दिशा के ऊपर मेरा कोई नियंत्रण शेष नहीं है प्रभु। अच्छा अच्छा, तो सीधी दिशा में जाने के लिए मुझे पुनः अपना उदर व्यवस्थित करना होगा। ये तो उत्तम युक्ति है मूषक जी। देखा मूषक जी, मेरा अति सुंदर गोलाकार उदर हमारा पथ प्रदर्शक भी बन रहा है। अब तो सब उचित है ना मूषक जी? आपने मुझसे कुछ कहा प्रभु? हाँ हाँ, मैंने पूछा अब तो सब उचित है ना? मैं आपका स्वर सुनने में असमर्थ हूँ प्रभु। मैंने पुनः किसी के हंसने का स्वर सुना, वहाँ ऊपर कौन है जो हंसे जा रहा है? अरे मूषक जी तो कुछ सुन ही नहीं पा रहे हैं। आपके उदर ने उनके कान जो ढक दिए हैं। प्रभु आप तनिक आगे तो देखिए। मूषक जी धीरे धीरे चलिए, तो हम इस पथ को सरलता से पार कर लेंगे। यमराज जी आप यहाँ? देवगण, इतनी विपदाओं का सामना करने के उपरांत गणेश जी के जन्मोत्सव के हर्ष उल्लास ने एक बार पुनः मुझे नवीन स्फूर्ति से भर दिया। क्या हुआ अग्निदेव, आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? देवराज, मैं नकारात्मक विचार में डूबना नहीं चाहता, किंतु मुझे अचानक स्मरण हो आया कि कैलाश पर हम होली के पर्व के उस समय सभी कितने आनंदित थे, और फिर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती गईं कि हमारा आनंद ही अवसाद में परिवर्तित होने लगा। मुझे भय कि कहीं पुनः जी का संतुलन तो बिगड़ रहा है, गिर रहे हैं वो। प्रभु,
आप इस प्रकार क्यों हंस रहे हैं चंद्रदेव? यहाँ आपको इतना हास्यास्पद क्या प्रतीत हो रहा है? आप हैं हास्यास्पद। जब से आप मूषक जी पर आरूढ़ हुए हैं, मैं तब से आपको देख रहा हूँ। आप अति अति हास्यास्पद हैं। मैंने स्वयं को रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु मेरी हंसी फूट पड़ी। कितने विचित्र आकृति है ना आपकी। खंभ जैसे हाथ पांव, विशाल काय गज का शीश, और उधर मानो अन्न का भंडार हो। और तो और, आपने कभी इस पर विचार किया है कि आपका आहार ग्रहण करने के उपरांत आपका उदर इतना हास्यास्पद हो जाता है? अब कोई आपको ऐसी अवस्था में देखेगा, उससे तो हंसी आ ही जाएगी। माता, मैं आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा था, जिसे आपको ज्ञात होना अति आवश्यक है। हाँ हाँ, अवश्य बताइए। माता, माता, आज फिर वही योग प्रकट होने जा रहा है जिसमें उनका शिष्य उनके धड़ से विलग हो गया था। ये तो गणेश की चित्कार थी। माता, अनर्थ, घोर अनर्थ, ये क्या हो गया पार्वती नंदन गणेश जी को? प्रभु, उठिए प्रभु, उठिए। ये तो गणेश के क्रंदन का स्वर था। अब तक तो उसे टहलकर लौट आना चाहिए, किंतु बाहर से आने वाले उसके क्रंदन का स्वर कैसा? पुत्र कार्तिकेय, गणेश की चित्कार का अवश्य कोई बड़ा कारण है, अवश्य कुछ हुआ है उसे। मैं वहां जाकर देखता हूं, और तुम मां को शांत रखने का प्रयास करो। जो आज्ञा पिताश्री। आज फिर वही योग प्रकट होने जा रहा है जिसमें उनका शिष्य उनके धड़ से विलग हो गया था। गणेश, गणेश जी, गणेश जी इस अवस्था में कैसा अनर्थ है ये? कैसे हुआ ये? गणेश,
पुत्र गणेश, पुत्र गणेश। चंद्रदेव, कदाचित सर्वप्रथम आप ही यहां पहुंचे थे ना? तो क्या उस समय भी आप यहां उपस्थित थे जब यह अनर्थ घटित हुआ? बताइए चंद्रदेव, ये सब कैसे हुआ? ये आपने क्या कर दिया चंद्रदेव? यदि माता पार्वती को ज्ञात हुआ तो वो कुपित होकर हम सभी का विनाश कर देगी। माता, माता, माता सुनिए तो। माता मुझे ज्ञात है आप गणेश को लेकर ही व्याकुल। मैंने भी उसकी चित्कार सुनी है, किंतु मुझे विश्वास है वो पूर्ण रूप से कुशल ही होगा माता, क्योंकि भला उससे क्षति कोई कैसे पहुंचा सकता है। मेरी बात सुनिए माँ, मेरी बात मानिए माँ, माँ सुनिए तो माँ। पूर्व में भी जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, गणेश का शीश उसके धड़ से विलग हुआ था, तब देवी पार्वती अपने आवेग में किस प्रकार सबको सर्वनाश करने पर आतुर हो गई थी, ये स्मरण है ना आप सभी को? ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे, क्या अनर्थ हो गया? गणेश, पुत्र गणेश। माता पार्वती इसी ओर आ रही हैं, हमें उनके समक्ष नहीं पड़ना चाहिए। हमारी सुरक्षा इसी में है कि हम यहां से कहीं दूर हट जाएं। पुत्र गणेश, मां सुनिए, मां मां रुक जाइए। माता तो यहां पहुंच गई। गणेश को लेकर इतनी चिंतित है माँ कि उनके मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। मैं ही पूछता हूं कि गणेश कहाँ है। देवगण, माँ ने और उनके साथ हम सभी ने गणेश की चित्कार सुनी थी। मुझे विश्वास है जिसे सुनकर ही आप सभी भी यहां एकत्रित हुए हैं। मैं तो गणेश को लेकर टहलने निकला था। मैं आगे बढ़ गया, किंतु उस समय वो यहीं कहीं था। तो क्या आप में से किसी ने उसे देखा है? क्या उसकी चित्कार का कोई कारण आप सभी में से किसी को ज्ञात है?
नाग जी का स्वर है। हाँ माँ। कि तुम रुदन क्यों कर रहे हैं? क्या है उनके विलाप का कारण? अब तो मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि माता को तो सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। जिसका मुझे भय था, यदि मैं पूर्व में ही समय रहते माता पार्वती को इस संकट का आभास करा देता तो कदाचित वो गणेश जी को भवन से बाहर ही नहीं आने देती, फिर ये अनर्थ नहीं होता। ये कैसे हुआ? सभी तो देवी पार्वती के क्रोध को लेकर ही आशंकित थे, महादेव के क्रोध की तो कल्पना भी नहीं की हमने। अब यदि वो अपने पूर्व आवेश में आ गए तो और भी घोर अनिष्ट होगा। आप सभी ने क्या मेरा प्रश्न नहीं सुना? मूषक जी पर आरूढ़ हुए हैं मैं तब से आपको देख रहा हूँ। कितने विचित्र आकृति है ना आपकी खंभ जैसे हाथ पांव, विशाल काय गज का शीश और उधर मानो अन्न का भंडार हो माता, माता मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। उठो
अनुज। कैसे देवता हैं आप? क्या आपको इतना भी ज्ञात नहीं कि एक बालक को उसके भोजन के लिए नहीं टोकते, और आपने मेरे पुत्र गणेश के ही भोजन पर बुरी दृष्टि डाली, उपहास किया उसका, जिसके कारण ये अवस्था हुई है मेरे पुत्र गणेश की। माता, महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी इस भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। चंद्रदेव, आपने जो किया वो सर्वथा अनुचित था। प्रभु, मैं क्षमा की भिक्षा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दो आपको। यहाँ मेरा पुत्र मूर्छित पड़ा है, उसका उदर फट गया, जिसका कारण आप है। प्रभु, मैं मात्र अपने बचाव हेतु क्षमा याचना नहीं कर रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। ये तो एक सरल परिहास था। मैं गणेश जी का अनिष्ट नहीं चाहता था, वे मेरे शब्दों और मेरे कारण से मूर्छित नहीं हुए। चंद्रदेव, अपनी भूल को छुपाने का प्रयास मत कीजिए। गणेश मूषक के ऊपर से अवश्य नीचे गिरा, किंतु क्या यह सत्य नहीं कि उसका उदर आपकी कुदृष्टि के कारण ही फटा है? प्रभु, मुझसे भूल हुई, मेरा व्यवहार अनुचित था, मैं अपने इस व्यवहार के लिए लज्जित हूँ। अब आपसे और माता से क्षमा याचना करने के सिवाय मेरे पास और कोई उपाय नहीं। चंद्रदेव, आपने जो कुछ भी किया वो दंडनीय है। देवोचित व्यवहार की सभी सीमाएं लांघकर एक बालक का नहीं अपितु सर्वप्रथम पूज्य देवता का भी अपमान किया। वही देवता जिसकी आप सभी ऋणी है, जिसने अनेक अवसर पर आप और अन्य देवताओं को संकटों से मुक्त कराने के लिए कठोर संघर्ष किया है। कृपया शांत हो जाइए महादेव, अन्यथा आपके क्रोध से सृष्टि में विनाश आरंभ हो जाएगा। हम आपसे निवेदन करते हैं महादेव, चंद्रदेव से ये भूल अकारण ही हुई, कृपया शांत हो जाइए। गणेश के साथ जो हुआ उसमें आपकी बहुत बड़ी भूल है। किंतु जो आपने किया वो किसी बुरे आशय से नहीं, आप उसके परिणाम से अनभिज्ञ थे। इसलिए हम आपको क्षमा करते हैं। महादेव ने उचित निर्णय लिया, अन्यथा स्थिति नियंत्रण के बाहर चली जाती। कदाचित मुझसे ही सुनने में कोई भूल हुई। क्या कहा आपने प्रभु? हम इन्हें क्षमा करते हैं। उमा, शांत हो जाओ प्रिय। गणेश पुनः स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि जो गणेश
सभी के संकटों को हरने में समर्थ है। जो स्वयं विघ्न हरता है उसे भला कोई संकट कैसे प्रभावित कर सकता है। क्या आप वो नहीं देख रहे जो मेरे नेत्र देख रहे हैं? आपका पुत्र यहाँ अचेत पड़ा है, आहत है वो। कैसे पिता है आपके पुत्र पर निरंतर संकट पर संकट आते रहते। कभी देवताओं के कारण उसका शीश उसकी धड़ से विलग हो जाता है, तो कभी आपके परम भक्त परशुराम के कारण उसका दंत खंडित हो जाता है। और आज चंद्रदेव के कारण उसका उदर फट गया। और वो यहाँ अचेत पड़ा है। नहीं प्रभु, अपने पुत्र को बार बार इस पीड़ा में देखने का कष्ट मैं नहीं सहन कर सकती। मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, मैं भी उसका पिता हूं। अपनी संतान को पीड़ा में देखकर माता पिता को कैसा कष्ट होता है उस बात से भली भांति परिचित हूं मैं। किंतु मैंने चंद्रदेव को उलाहना दी है, वो अपनी भूल स्वीकार कर चुके हैं। अब हमें भी शांत हो जाना चाहिए प्रिया, क्योंकि क्रोध में लिया हुआ निर्णय सभी के लिए अनिष्टकारी होता है। प्रिय, आप मेरी पीड़ा समझते हैं? ये कहकर एक माँ की ममता का अपमान मत कीजिए नाथ। यदि आप एक माँ की पीड़ा समझते तो आप चंद्रदेव को उनके दंड के लिए इतनी सरलता से क्षमादान नहीं देते। प्रभु, जिन्होंने मेरे पुत्र का उपहास किया, जिसके कारण मेरा पुत्र यहाँ इस अवस्था में पड़ा है, आपको चंद्रदेव की पीड़ा दिखती है स्वामी? किंतु आपको अपने पुत्र की पीड़ा नहीं दिखती। उमा, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा। यदि गणेश को क्षति पहुंचाना चंद्रदेव का प्रयोजन होता तो आपसे पूर्व उन्हें मैं दंडित कर चुका होता। किंतु उनके शब्दों का ऐसा प्रभाव पड़ेगा इस बात का भान नहीं था उन्हें। उनसे अज्ञानता में यह भूल हुई है, इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, शांत हो जाओ उमा। अब इस बात को इतना बड़ा मूल्य मत दो, क्योंकि यदि हमने चंद्रदेव को दंडित किया तो उससे संपूर्ण जीवों का नाश हो जाएगा, संपूर्ण सृष्टि को कष्ट होगा। और ये मत भूलिए, जगत पिता और जगत जननी होने के नाते हमारे बहुत बड़े उत्तरदायित्व हैं। मैं आपको आदेश देता हूं देवी पार्वती, शांत हो जाइए। उचित है स्वामी। कहते हैं नाथ, बार बार कष्ट प्राप्त करना, आहत होना तो हमारे पुत्र की ही नियति है। जगत जननी हूं मैं,
इसीलिए एक साधारण माँ की ममता का अनुभव करने की स्वतंत्रता नहीं है मुझ। और जगत पिता है आप, इसलिए अपने परिवार के लिए शस्त्र उठाने की अनुमति नहीं है आपको। इस संपूर्ण सृष्टि में हम दोनों से अधिक लाचार माता पिता कोई और नहीं। सब कुछ होने के बाद भी हम दोनों अपने पुत्र के लिए कुछ भी करने के लिए असमर्थ है महादेव। मेरा पुत्र यहाँ गिरा अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है और मैं शांत रहूं? नहीं प्रभु, मैं अपने दायित्व निभाने में असमर्थ। माता, उमा, माते, माँ क्या हो गया? आगे कौन? माँ, यहाँ वहाँ बिखर गए हैं। किंतु आपका उदर फटा। मेरा उदर फट गया तो क्या हुआ मूषक जी? मैं परम ब्रह्म महागणपति जी का ही तो अंश हूँ। मूषक जी, मुझे कोई क्षति नहीं पहुँच सकती। और अब आप अपने प्रश्न पूछना बंद कीजिए। हाँ, देखिए कोई मोदक गिरकर दूर तो नहीं लुढ़क गए हैं। सबके सब लौटकर मेरे उधर में ही जाएंगे। एक भी नहीं छोड़ूंगा मैं। फिर उधर बांधकर लौटना भी तो है, नहीं तो माँ चिंता करेंगी। और निद्रा का भी तो आनंद लेना है। प्रभु, क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे मूषक जी, आप इतना भी नहीं समझते क्या? माँ के समक्ष ऐसे ही चला जाऊंगा तो क्या वो व्यथित नहीं होंगी? देवता हो या मानव, नियति सभी को विवश कर देती है, परंतु बुद्धिजीवी वही हैं जो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।